गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इस पाठ यानी कि मुहावरे और लोकोक्तियों का अंतिम अभ्यास। इस अभ्यास में हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक यानी कि इंटरेस्टिंग अभ्यास गतिविधि। अभी तक हमने मुहावरों को जाना, अर्थ को जाना, उनके प्रयोग के विषय में बात की, लोकोक्तियों को जाना, उनके अर्थ और प्रयोग के बारे में बात की, लोकोक्ति और मुहावरे दोनों के अंतर को समझा, उन्हें पहचानने का तरीका सीखा। तो आज हम करने जा रहे हैं मुहावरों को ही ढूंढने और पहचानने का एक और अभ्यास। इसमें हमने क्या किया है कि चित्र देखकर मुहावरा पहचाना, यानी कि कुछ चित्रों के सहायता से आपको अधूरे कुछ शब्द दिए हैं, कुछ चित्र दिए हैं, कुछ नंबर्स लिखे हैं, अंक, और उनकी सहायता से आपको वो मुहावरा पहचानना है। तो ज़रूरी नहीं कि मुहावरा आपको सीधे दिया जाए और उसका अर्थ पूछा जाए, इस प्रकार से भी मुहावरे दे सकते हैं। तो चलिए करते हैं कोशिश। कुछ उदाहरण हैं इस तरीके से, और भी मुहावरे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए पहला मुहावरा क्या होगा, कोशिश कीजिए चित्र पहचानने की, क्या मुहावरा बन सकता है। ये क्या है, आम का लिखा हुआ तारा, तो हमारा मुहावरा क्या बन जाएगा, आम का तारा, आम का तारा, क्योंकि रामू तो अपनी माँ की आम का तारा है, उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती है, वो अपनी माँ की आम का तारा है। तो पहला मुहावरा आम का तारा। दूसरे मुहावरे की तरफ बढ़ते हैं, ये है चार, गिनती का चार, ये है चांद, चार चांद लगना, यानी कि बहुत ज्यादा शोभा बढ़ा देना किसी जगह की, खूबसूरती को बढ़ाना, तो ये मुहावरा बना चार चांद लगना, ये दूसरा मुहावरा बन गया। तो कुछ अर्थ है, कुछ चित्र है, कुछ शब्द है, सबको मिला के वो मुहावरा हमने बनाया। आगे बढ़ते हैं, ये क्या दिख रहा है, फेस यानी कि चेहरा कह सकते हैं, चेहरा यानी मुंह, ये हो गया मुंह, पर मुंह पर, अभी घड़ी है, घड़ी में कितने बज रहे हैं, 12, तो मुंह पर 12 बजना, तो ये मुहावरा क्या हो जाएगा, मुंह पर 12 बजना। ये क्या हुआ, मुंह पर 12 क्यों बजे, यानी कि चेहरे पर 12 बजना है, उदास होना, थक जाना, कुछ भी, मुंह पर 12 बजना, 12 बजना। तो अब अगला मुहावरा देखते हैं, यहाँ पर एक चित्र है एरो जैसा बना है, एरो को क्या बोलते हैं हिंदी में, तीर, तीर मारना यानी बड़ा काम करना, बोलते हैं तुमने कौन सा तीर मार लिया जो इतने इतरा रहे हो, तीर मारना, ये मुहावरा हो तीर मारना। अब अंतिम मुहावरे की तरफ चलते हैं, ये है 9 9 2 11 होना, यानी कि 9 2 11 होना, जो हमारा हिंदी का मुहावरा है वो इस प्रकार लिखा जाएगा, 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना, चोर पुलिस को देखते ही 9 2 11 हो गए। तो इस प्रकार में कौन कौन से मुहावरे मिले, आपका तारा, आपका तारा, चार चांद लगना, चार चांद लगना, मुंह पर 12 बजना, मुंह पर 12 बजना, तीर मारना, तीर मारना, 9 2 11 होना, 9 2 11 होना। तो इस प्रकार से मुहावरों के अभ्यास आपसे किसी भी प्रकार से पूछे जा सकते हैं, तो आप उसे इस प्रकार तैयार कीजिएगा कि किसी भी रूप में आपसे प्रश्न पूछे जाने पर आप उनका उत्तर दे सकें, अभ्यास कर सकें। तो कीजिए अभ्यास, टेक्स्ट बुक में दिए गए सभी मुहावरों को पढ़िए, उनके अर्थ को याद कीजिए और प्रयोग स्वयं अपने शब्दों में करने की कोशिश कीजिए। हम मिलेंगे आपसे कुछ और मॉड्यूल्स, कुछ और अभ्यास के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और स्टडी करते रहिए। टेक केयर, बाय।